हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो पीछे मंदिर दिख रही है पुरानी से तुमको, ये मंदिर ऑलमोस्ट 400 साल पुरानी है। तो आज मैंने प्लान करा था कि आज हम इस मंदिर को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये मंदिर काफ़ी पुराना है और इसको एक्सप्लोर करने में मेरा हेल्प करेगा संजीव और बताएगा थोड़ा सा यहाँ के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। आज जो है ये है जनार्दन टेम्पल जो मानसिंह ने बनवाया था। मानसिंह 1500 सदी के आसपास। आज जो देखा ये विष्णु जी का टेम्पल है। अंदर आ जाओ। ये पूरा पत्थरों के ऊपर है, मतलब कोई सीमेंट डिमेंट नहीं है, पूरा पत्थरों पे बना हुआ है। जैसा आप देखो इसके पिलर देखो, इधर दिखाओ आपको जो पिलर है ये 450 साल पुराने होंगे अंदाजा लगाया जा रहा है। ये यहाँ पर है आपका, ये बाहर ये पत्थरों पे काट की मूर्ति बनाई गई है, ये कला है। आप ये बहुत पुरानी हो गई तो धुंधली हो चुकी है, उस टाइम की है। आगे से। और ये जो अंदर है ये है हमारा विष्णु जी का टेम्पल है। जय विष्णु भगवान। ये जनार्दन भगवान है, ये सारे विष्णु भगवान के रूप है, है ना। भाई विष्णु भगवान भी अलग अलग आओ ऊपर चलते हैं। नहीं। यहाँ पे भी कुछ स्टैचूज पड़े हुए हैं। ये है भैया, मतलब पत्थरों पे काट के स्किल बनाया गया। दिखाया तो दिख नहीं रहा था। हाँ, लाइट है किसी पास? कोई फ्लैश ऑन करेगा? ये देखो, ये राजा मानसिंह के जमाने में बनाई गई पत्थरों पे शिल्प कला है। प्योर पत्थर पे काट कर बनाई गई मूर्ति है। ये देखो इधर भी है। तो ये विष्णु भगवान है और वो भी शायद उन्हीं का हुआ है। ये मतलब वो होगी ना, थोड़ी डैमेज हो गई है ना। हाँ हाँ हाँ। तो पता नहीं चल रहा है कि है क्या। ये बहुत पुरानी हो चुकी है। और ये क्या है? ये सुरंग है। ये सुरंग है, ये ऊपर जाता हुआ सुरंग है। कोई गया नहीं था। आप दिखा सकते हैं? ये फ्लैश ऑन करते हैं। खिड़की का पीछे वाला भाग का सुरंग, इसमें ये वाल मर जाएगा। इसमें खिड़की लगा है, ये बहुत सुरंग है। ये ऊपर ऊपर तक है, जो ऊपर की चोटी है ना वहां तक का रास्ता है। ऊपर से हवा आती नीचे। अच्छा, ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से? नंगे पाँव जा सकते हैं ना, मतलब ऐसा तो नहीं। ऊपर ये दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया इसको, टूट चुका था ये। अच्छा, ये नई सीढ़ियां बनी। हाँ, सीढ़ियां तो नहीं दिख रही हैं। आओ दोबारा से कंस्ट्रक्शन करके थोड़ा बनाया उसके लायक। ये जो मंदिर है ना, ये सीमेंट सीमेंट ये पूरा पत्थर है। अच्छा, ये पूरा पत्थर है, पूरा पत्थर से बनाया हुआ है। और ये रहा ये रहा क्या हाल है? अरे यहाँ तो दिख नहीं रहा। कमाने से बात है, कुछ यहाँ मान्यता है कि यहाँ अंदर कुछ है, इस सुरंग के अंदर, पर कभी कोई गया नहीं है। अब पहले क्या था कि लाइट वाइट आती थी, अभी तो अंधेरा हो रहा है। तो अंदर एक मटका है और एक क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं खाट है और कुछ चीजें और भी हैं। अच्छा, पर दिख नहीं रहा, अभी लाइट नहीं आ रही। अंदर का दिख नहीं रहा अंदर। हाँ, लाइट जला के दे। लाइट नहीं है, फ्लैश फ्लैश जला अंदर। ध्यान रखना फोन अंदर मत चला जाए। नहीं नहीं चला जाए। खाली है पूरा। किसी समाधि है क्या अंदर? सब कुछ दब चुका है। किसी समाधि है क्या अंदर? पता नहीं क्या दिखाइए। अंदर सब दब चुका है पहले ना, थोड़ा सा मतलब मिट्टी मिट्टी हो गई चीज अंदर की। देखिए कैमरे में दिख रहा है, कुछ तो है, दो चीजें है, कुछ तो है वहाँ पे, दो तीन चीजें हैं, बट वो समझ में नहीं आ रहा क्या है। रिकॉर्डिंग कीजिए। रिकॉर्डिंग कर लिया मैंने। रिकॉर्डिंग साइड साइड में क्या है? साइड से और जगह है क्या अंदर जाने? जाएगा नीचे, स्पेस है नीचे जाने का। दिख नहीं रहा ना, वो शो नहीं हो रहा, स्पेस नहीं इतना, स्पेस इतना नहीं है, बट अंदर कुछ तो है, वो समझ में नहीं आ रहा क्या है। बाद में देखना पड़ेगा। हाँ, रिकॉर्डिंग में तो आ गया पूरा। रिकॉर्डिंग में बात है। ये नीचे बस यही है, नीचे कचरा फेंक दिया। हाँ, कचरा फेंका हुआ पूरा है। वो दुगो उधर क्या रखा हुआ है? वही दिख, वही समझ में नहीं आ रहा कहाँ। सामने कैमरे में जो दो दिख रहा है ना ऊपर, ये और ये अंदर घर जैसा है। अंदर घर जैसा मतलब 4-5 साल पहले क्या था, जब हम यहाँ दिखते थे नीचे एक खाट थी, एक घड़ा था, और ये जो दो चीजें दिख रही हैं अब क्या है कि दब चुका सब, अब से वो सब गायब है। धीरे धीरे कुछ कम दिखता है भाई। ध्यान से काटे हैं, पैर में चुभ रहे हैं, अभी चुभ गया। चप्पल पहन के आना चाहिए था। हाँ, अब आराम से आ जाओ।
जाने का रास्ता वैसे लेके जाना चाहिए रे, पत्थरों की ये बनी हुई है सिल्क, इससे ऊपर चढ़ना। अच्छा ये सीढ़ियां बनी है पत्थर की, बट ये बहुत ही खतरनाक है ना, पता नहीं हो सकता कभी पत्थर टूट, वैसे तो टूटेगा नहीं। हाँ पत्थर टूटे तो, बट हाँ इतना पुराना है तो वी नेवर नो, क्या पता ऊपर से नीचे देखने का भी कुछ वो जगह हो, पर कोई कभी गया नहीं ऊपर। पहले ना ये सीढ़ियां ये भी पत्थर की थी। अच्छा एक बार गिर चुका मंदिर आगे से। अच्छा ये जो मेन मंदिर है ना, हाँ, इसे छोड़कर, हाँ, बाकी जो पीछे जितना भी वो है कहते हैं आगे का छत, हाँ, ये सब कुछ गिर चुका था। अच्छा पता क्या था, ये मेन मंदिर, हाँ, और ये जो ये ना ये देख रहे हो ये किस पत्थरों पे खड़ा है, हाँ, हाँ, इसकी वजह से गिरा नहीं, बाकी किसी को साइड साइड से झड़ गया था पूरा। हाँ, अच्छा ये भी आप ला सकते हो जो मंदिर में ना, ये देखो मंदिर में देखो लिखा, ये भाषा में समझ नहीं आएगी, पत्थरों पे काट के कोई भाषा में कुछ लिखा हुआ है, देखो यहाँ ऊपर से देखो ये तो कन्नड़ और कुछ डिफरेंट साइन लैंग्वेजेस मिक्स लग रहे हैं इसमें, साइन जैसे लैंग्वेजेस बने हुए हैं, फिर कुछ लिखा हुआ है, बाहर आए लोगों ने कुछ कुछ लिखा, तो मंदिर ऐसे एक्सप्लोर होता है ना। हाँ इसमें कुछ कुछ लिखा ही है, लकड़ी है ना, पत्थर है वो, ये पत्थर है ये पूरा पत्थर है, पूरा मंदिर पत्थर पे है, पूरा मंदिर, हाँ ये पूरा मंदिर पत्थर का है। फाइनली हमने एक्सप्लोर कर लिया 400 साल पुराना मंदिर ऑलमोस्ट, और अगर यहाँ के लोकल की हाइट्स की माने तो ऑलमोस्ट 400 साल पुराना है, ठीक है, और मैंने हिस्ट्री चेक करी, बट ऐसा कुछ हिस्ट्री में मिल नहीं पा रहा है तो बताना काफ़ी मुश्किल है, बट जो स्टैचू है इसमें जो साइड में रखे हुए वो काफ़ी पुराना है, और अंदर एक बंद सा कमरा है जिसमें एक छोटा सा सुरंग है, उसके अंदर क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दो तीन चीज़ें दिख रही हैं पड़ी हुई, कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे कुछ खाट वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि नीचे दब चुकी हैं, कैसे दबी हैं, क्या दबी हैं, क्यों दबी हैं, किसी को आइडिया नहीं है, और वो सुरंग कैसे बना है, क्या बना है, ये भी किसी को आइडिया नहीं है, कुछ लोग शायद मंदिर के टॉप पे चढ़े भी हैं बट वो भी किसी को नहीं पता कि वो कब चढ़ा है, कौन चढ़ा है, ठीक है। खैर चलते हैं, ये मिस्ट्री इंडिया में बहुत सारी ऐसी रहती है मिस्ट्री जो लाइक हमेशा लोगों के दिमाग में चलती रहती है, उसको सॉल्व करना काफ़ी टफ है, उम्मीद है कि इसकी मिस्ट्री भी सॉल्व हो जाए जल्दी, ठीक है। खैर मिलते तुम लोगों से जल्दी।